もしもし。क्या आपने कभी किसी दूसरी दुनिया में विलेनस के रीइंकार्नेशन को इमेजिन किया है, जो अपने पिछले जीवन में दुनिया की सबसे फेमस विलेन भी थी? कुरोमेका की नॉवल सीरीज मोरियार्टीज़ परफेक्ट क्राइम को अब एक वेबटून में अडैप्ट किया गया है और जल्द ही इस समर में इसे एक लाइट एनिमे के रूप में लाया जाएगा। हाल ही में रिलीज किए गए की विजुअल में सीरीज के दो प्रोटैगनिस्ट जेम्स और शेरी मोरियार्टी को दिखाया गया है। अलिया समटाइम्स हाइड्स हर फीलिंग्स इन रशियन के द 3rd ऑफ जुलाई के ब्रॉडकास्ट और एनिमे एक्सपो 2024 के प्रीमियर के लिए एंटिसिपेशन बढ़ रही है। पिछले वीक के अलिया कैरेक्टर ट्रेलर के बाद इस वीक हमें यूकी एसयूओ की एक झलक मिलती है, जो एक सीक्रेट साइड वाली पूर्व फॉर्मर मिडिल स्कूल स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है, जिसे वकाना मारुओका ने आवाज दी है। एनिमे के डेब्यू से पहले हर वीक एक नया कैरेक्टर ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। सीजन एक के 24th और फाइनल एपिसोड के ब्रॉडकास्ट होने के ठीक बाद डिलिशियस इन डंजन के ऑफिशियल चैनल्स ने कंफर्म किया है कि दूसरा सीजन आने वाला है। उन्होंने फैंस के लिए एक बिल्कुल नए विजुअल और ट्रेलर निकाला है, हालांकि रिलीज डेट अभी भी सामने नहीं आई है। डालिया इन ब्लूम क्राफ्टिंग अ फ्रेश स्टार्ट विद मैजिकल टूल्स का प्रीमियर जापान में द 6th ऑफ जुलाई को 21 o'clock JST पर होने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स ने एक नया ट्रेलर, एक सेकंड की विजुअल रिलीज किया और कार्लो रोजेटी के रूप में केन नरिता को कास्ट में शामिल करने की अनाउंसमेंट की। अपकमिंग रोमांटिक कॉमेडी एनिमे 2.5 डिमेंशनल सिडक्शन ने एक नया की विजुअल और ट्रेलर को अनवेल किया है, जिसमें मीचन द्वारा इसका ओपनिंग थीम सॉन्ग शटर चांस शामिल है। यह सीरीज द 5th of July 2024 से शुरू होकर लगातार दो कोर्स के लिए जापान में ब्रॉडकास्ट होने वाली है। रोमांटिक कॉमेडी मांगा पर बेस्ड टाइंग द नॉट विथ एन अमागामी सिस्टर ने एक नया की विजुअल रिलीज किया है और दो एडिशनल कास्ट मेंबर्स की अनाउंसमेंट की है। ये टीवी एनिमे अक्टूबर 2024 से टीवी टोक्यो और BSNTV पर लगातार दो कोर्स के लिए ब्रॉडकास्ट होगा। अगले साल एक नई मैजिकल गर्ल टीम के लिए तैयार हो जाइए। ओरिजिनल सीरीज प्रिंसेस सेशन ऑर्केस्ट्रा को 2025 में रिलीज करने की अनाउंसमेंट की गई है। आर्या एंटरटेनमेंट की एक न्यू ब्रांच यूनिसन इस प्रोजेक्ट के लिए किंग रिकॉर्ड्स और तकरा टोमी के साथ मिलकर काम कर रही है, जो म्यूजिक, एनिमे और टॉयज को इस तरह से मिलाने का वादा करती है जो बच्चों और एडल्ट्स दोनों को पसंद आए। एलिस पिया के एंशिएंट वंडरलैंड में सेट यह सीरीज तीन राजकुमारियों को फॉलो करती है, जो म्यूजिक की पावर का यूज करके जामाओक नामक खतरे से बचाव करती हैं। इस महीने की शुरुआत में यह अनाउंसमेंट की गई थी कि एनिमे डेलिकोज नर्सरी अगस्त तक डिले हो जाएगा। अब हमारे पास एक कंफर्म्ड रिलीज डेट August 7th, 2024 है। इस न्यूज के साथ एक नया ट्रेलर रिलीज किया गया है, जिसमें मिका मीका नाकाशिमा अनफेयर और अनोनिमस प्रेयर के थीम सॉन्ग शामिल हैं। इस वीक की एनिमे न्यूज में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपने आज के वीडियो को एंजॉय किया तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसे और भी एनिमे कॉन्टेंट के लिए बने रहे हमारे साथ।